दोस्तों इंडिया में कुछ ऐसी डॉग्स ब्रीड हैं जो आप लोगों को हर दूसरे इंसान के पास मिल जाएंगे, क्योंकि भाई ये है इतनी पॉपुलर, इतनी फेमस। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं में से दो डॉग्स ब्रीड के बारे में जो कि आप लोगों को काफी पसंद आएंगी एंड आई एम श्योर आप में से मोस्ट लोगों की फेवरेट भी होंगी, जिसमें से फर्स्ट है रॉटवाइलर और सेकंड है जर्मन शेफर्ड। तो फ्रेंड्स पहले बात करेंगे जर्मन शेफर्ड पपीज के बारे में, क्योंकि रॉटवाइलर की मेरे पास ज्यादा वीडियोस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जहाँ पर उन्होंने उन पपीज को रखा हुआ है वहाँ पर उनके घर पे कुछ मिस हैपनिंग हो गई है जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं बना पा रहे। तो जिन जर्मन शेफर्ड पपीज के बारे में बात करने वाले हैं ये मीडियम कोट में, और फिलहाल जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ब्लैक मास्क का पपी है। तो अगर आप लोग इसे परचेज करना चाहोगे तो इसके लिए भी आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, और उन्होंने प्राइस भी काफी डिसेंट सा रखा है। तो रॉटवाइलर एंड जर्मन शेफर्ड दोनों वन ऑफ द बेस्ट गार्ड डॉग ब्रीड की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप लोग को सिक्योरिटी के लिए डॉग ब्रीड परचेज करनी है तो दोनों में से आप लोग किसी को भी परचेज कर सकते हो, और दोनों ही काफी इंटेलिजेंट है। तो गाइस वैसे तो जर्मन शेफर्ड कुछ अलग अलग कोट्स में आते हैं, जैसे कि स्मूथ कोट, मीडियम कोट, डबल कोट या फिर लॉन्ग कोट। तो जो लॉन्ग कोट के होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसी वजह से जिन लोगों को जर्मन शेफर्ड परचेज करने हैं और वो भी कम प्राइस में, तो वो लोग स्मूथ कोट एंड मीडियम कोट की तरफ जा सकते हैं क्योंकि उनका प्राइस थोड़ा कम होता है। और हाँ फ्रेंड्स, जो लोग इन जर्मन शेफर्ड के पेरेंट्स को या फिर रॉटवाइलर के पेरेंट्स को देखना चाहते हैं, उसके लिए आप लोगों को डॉग ओनर से ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वही आप लोगों को पर्सनली फोटो वीडियोस प्रोवाइड करा सकते हैं। और ये चीज मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप लोग किसी भी पपीज को परचेज करो तो खुद से हर एक चीज अच्छे से कंफर्म जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इन मीडियम कोट के जर्मन शेफर्ड पपीज को परचेज करना चाहते हो तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो पपीज हैं ये 40 डेज के आसपास हो चुके हैं, और उन्होंने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की क्या 11,000 पीस 11,000 रुपए एंड फीमेल की क्या 8,500 पीस यानी 8,500 रुपए, बट प्राइस आप लोगों के लिए कम हो जाएगा अगर आप लोग सीरियस बायस है। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं एक और काफी पावरफुल डॉग ब्रीड के बारे में जिसका नाम है रॉटवाइलर, जिसे शायद हर कोई जानता होगा, क्योंकि भाई रॉटवाइलर काफी पावरफुल, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फियरलेस डॉग ब्रीड है जो किसी से भी नहीं डरते, और ये थोड़े अग्रेसिव भी होते हैं अगर इन्हें अच्छे से ट्रेन ना किया जाए तो। तो गाइस पपीज काफी अच्छी क्वालिटी में, काफी डार्क कलर में, तो अगर आप लोग को सिक्योरिटी के लिए डॉग ब्रीड लेनी है जो कि काफी तगड़ी हो तो आप लोग रॉटवाइलर के लिए जा सकते हैं। वैसे पपीज जो हैं ये होम ब्रीडिंग के हैं, तो जब आप लोग परचेज करने जाओगे तो पेरेंट्स को लाइव भी देख सकते हो, और बाकी की फोटो वीडियोस भी ओनर आप लोगों को पर्सनली सेंड कर देंगे, आप लोग कभी भी उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ओनर का कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी भी बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो पपीज 35 डेज के हो चुके हैं, एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है नांगलोई दिल्ली एनसीआर से, एंड डिलीवरी जो है वो ओनर आप लोगों को लोकल एरिया में प्रोवाइड करा देंगे लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर, बट मैं प्रेफर करूंगा कि डायरेक्ट ओनर को विजिट करके परचेज करो तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। एंड फाइनली अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो पपीज आप लोग देख ही चुके हैं काफी अच्छी क्वालिटी में है, तो ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की क्या 12,000 पीस 12,000 रुपए एंड फीमेल की क्या 10,000 पीस यानी 10,000 रुपए, लेकिन भाई ये भी सीरियस बायस के लिए प्राइस कम हो जाएगा, तो एटलीस्ट आप लोगों को एक बार डॉग ओनर से जरूर कॉन्टेक्ट करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय।